तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का पार्ट 3-4 है। इससे पहले पार्ट 1, 2, 3 जो है दोस्तों बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे अभी तक तो आप आई बटन में जाकर या तो फिर व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसका है फुल फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन आज का दोस्तों, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तीसरा क्वेश्चन आज का, व्हाट इज़ द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम फॉर OPC सीमेंट। इनिशियल लेस देन 30 मिनट और फाइनल सेटिंग जो होता है 600 मिनट। दोस्तों 600 मिनट में जो फाइनल सेटिंग हो जाता है। आज का चौथा क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ 1 BHK। तो दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग में अक्सर पूछा जाता है कि 1 BHK का पूरा फुल फॉर्म बताइए। तो 1 बेडरूम, 1 हॉल और 1 किचन होता है। उसके बाद आज का पाँचवा क्वेश्चन, साइज ऑफ हुक एंड एंगल। तो दोस्तों हुक जो होता है दोस्तों किसी भी हम जो लेंथ जो रहता है एल जो कर 10, तो 10D देते हैं। तो डी हो गया डायमीटर ऑफ स्टील। और इसका जो एंगल होता है दोस्तों 135 डिग्री होता है ये एंगल। दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ स्टील बार। तो दोस्तों अगर हम स्टील बार अगर आप साइट में है तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो उसका फॉर्मूला है दोस्तों D² / 162 × L। तो डी हो गया स्टील बार डायमीटर इन MM और एल हो गया लेंथ ऑफ स्टील। तो दोस्तों इससे जो है आप आराम से निकाल सकते हैं। एल जो होगा ये मीटर में होगा दोस्तों और डायमीटर ऑफ स्टील जो होगा आपका MM में होगा। आप इसमें बैठा देंगे तो जो है उसका जो है वेट KG में आ जाएगा दोस्तों आंसर। आज का सातवां क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट आर द कंक्रीट टेस्ट। देख लेते हैं, सलाम टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। आठवां क्वेश्चन दोस्तों, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का यूनिट वेट कितना होता है। तो RCC जो होता है दोस्तों उसका द जनरली वेट होता है 25 KN/m³ और PCC जो होता है दोस्तों 24 KN/m³। दोस्तों आज का नौवां क्वेश्चन है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स। तो दोस्तों ब्रिक्स जो होता है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है कि उसमें जो कंप्रेस किया जाए तो उसको लोड जो है सह सके। तो उसका जो है दोस्तों फर्स्ट क्लास ब्रिक जो है 105 kg/cm², यानी दोस्तों 1 सेंटीमीटर जो है 105 kg जो है वो सह सकता है। सेकंड क्लास ब्रिक जो है दोस्तों 70 kg/cm² और फायर ब्रिक जो होता है दोस्तों उसका होता है 125 kg/cm². दोस्तों व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, द रिजल्टेड इंटरनल कपल इज कॉल्ड एज बेंडिंग मोमेंट। व्हाट इज शेयर फोर्स। तो दोस्तों शेयर फोर्स क्या होता है, व्हिल द रिजल्टेड इंटरनल फोर्स इज इक्वल्ड द शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स क्या होता है, जनरली जो होता है यहाँ से जो ब्रेक होता है तो इसी को हम लोग बोलेंगे शेयर फोर्स। और जो बेंडिंग होता है दोस्तों यहाँ से अगर बेंड होता है तो इसी को बेंडिंग मोमेंट बोल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, 52 क्वेश्चन आज का 12 क्वेश्चन, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार्स कैन यूज इन स्लब। स्लब में हम लोग कितना मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार यूज करते हैं। तो उसका जो है स्लब का जो है 1/8 थिकनेस ऑफ स्लब। तो उसका जो है आप इसी फॉर्मूला पे बैठा के आप जो है उसका डायमीटर निकाल के जो है यूज कर सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि आपका स्लब है 150 mm, तो क्या करना है हमको, 1/8 × 150 हो गया दोस्तों। और इसको क्या करेंगे, 1/8 कर दिए, क्या कर दिए उसके बाद × 150, तो आ गया दोस्तों हम इसमें जो है मैक्सिमम 18 mm का बार यूज कर सकते हैं। तो 18 तो नहीं आता है तो हम लोग इसमें 16 mm का बार यूज करेंगे दोस्तों। तो इसी तरीके से जो है हम लोग उसको निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ स्टील बार। तो उसका स्टैंडर्ड लेंथ जो होता है दोस्तों मैनुफैक्चर होता है कंपनी से 12 मीटर या फिर 40 फीट। व्हाट इज डिसमिल। तो डिसमिल क्या होता है दोस्तों, एक यूनिट है दोस्तों। तो इसका यूनिट 1 dm = 40 जो होता है दोस्तों 46 square meter और 1 dm = 435.6 square feet होता है। क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज स्टीरअप। स्टीरअप क्या होता है, रिंग ऑफ द गिवन बीम और कॉलम। ये जो है दोस्तों इसको स्टीरअप कहेंगे, जो बीम में दिया जाता है रिंग। टाइप्स ऑफ सर्वे, सर्वे कितना तरह का होता है दोस्तों, प्लेन सर्वे और जो होता है प्लेन टेबल सर्वे और कंपास सर्वे। इक्विपमेंट नीड टू सर्वे, सर्वे में क्या क्या इक्विपमेंट जो है यूज होता है, ट्राइपॉड, टेबल, प्लम्बर और स्पिरिट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एवरेज सीलिंग हाइट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का जो सीलिंग हाइट होता है एवरेज कितना होता है दोस्तों, तो 3 मीटर या तो फिर 10 फीट होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, फादर ऑफ सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर का फादर किसे कहते हैं, डॉक्टर विश्वेश्वरैया इन इंडिया दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगर आपको कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपका आंसर जो है आपको आसानी से और जितना जल्दी हो सके आपको मिल सके दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।